नमस्कार, आप देख रहे हैं देश में युवा और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला हमारा खास शो स्टार्टअप चैंपियंस। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि देश भर में फैले जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रेरणा दी जाए हमारे जो आज के चैंपियंस हैं उनके जरिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी दुनिया भर में जो 50% आबादी है वो शहरों में रहती है। 2050 तक हम देखें तो भारत की भी आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। एक अनुमान के मुताबिक शहरों में जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो समाधान है उसको लेकर के भी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या स्टार्टअप इंडिया के पास है इसका सलूशन, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली में चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, मुंबई में चाहे वो पानी का जमना हो, या फिर बेंगलुरु में प्रदूषण हो झील की, या फिर आप गुड़गांव में, पास के गुड़गांव में आप देखें तो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, समस्याएं जितनी ज़्यादा हैं शहरों की समाधान भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चला है। और स्टार्टअप चैंपियंस में आज हमारे साथ बहुत ही खास चैंपियंस जुड़ रहे हैं जिनको अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है साल 2020 का। और मैं परिचय कराना चाहता हूँ हमारे आज के जो स्टार्टअप चैंपियंस हैं, और हमारे जो पहले स्टार्टअप चैंपियन हैं उनका नाम है अंजन मुखर्जी। आप हैं वाटर एंड वाटर नेटवर्क्स, इस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टरल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से यहाँ पे पधारने के लिए। और हमारे आज के दूसरे जो स्टार्टअप हैं वो अनुज यादव जो कि डायरेक्टर हैं और CEO हैं सुकृति सोशल फाउंडेशन के, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश कुमार जी जो कि SNPC मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के हैं, आपको इस साल का जो स्टार्टअप अवार्ड मिला है बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ आज के जो मेंटोर हैं वो जुड़ रहे हैं, फाउंडर है Applyfy के और एंजल इन्वेस्टर भी हैं प्रोजेक्ट राउत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में इस ओपनिंग कमेंट के लिए। तो आज अब हम चलते हैं हमारी जो पहली कहानी है उसकी तरफ। हमारी पहली कहानी है तरल टेक की। आपको मालूम होगा कि 16 करोड़ लोग हैं जिनको साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, जिनके पास बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से जो गांव में लोग हैं, अगर एक आंकड़ा सिर्फ मैं आपको दूं तो हर दिन 500 लोगों की मौत हो जाती है, अगले दिन का वो सूरज नहीं देख पाते हैं। कितनी गंभीर समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान है? मुझे लगता है कि मुंबई के एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं जिसको हम स्टार्टअप चैंपियन कह रहे हैं, आज तरल टेक की इस कहानी पर निगाह डालते हैं और उसके बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा पर मैं ले चलूंगा। आइए देखते हैं कहानी तरल टेक की। भारत के 6,50,000 गांव के अल्प सेवित क्षेत्रों में वंचित लोग अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर हैं। लेकिन इस नुकसान की कल्पना करें, जो पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है यदि वही पानी दूषित हो तो। अंजन मुखर्जी मुंबई के उद्यमी ने इस पेयजल समस्या को हल करने की ठानी। उन्होंने तरल टेक रिएक्टर विकसित किया जो बोरवेल हैंडपंप पानी में रोगाणुओं को मारता है और इसे आसानी से किसी भी भारत 2 मॉडल हैंडपंप में लगाया जा सकता है। ये जो है इसके काफी सारे फायदे हैं। एक तो है ये कोई भी लगा सकता है, कोई भी गांव में जो फिटर है, प्लम्बर है, वो लगा सकता है इसको। 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है लगाने में। इसमें कोई कंज्यूमेबल्स नहीं लगता, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत ही नहीं है और कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है। अंजन का कहना है कि तरल टेक रिएक्टर एक फिट एंड फॉरगेट तकनीक है। कोई रखरखाव नहीं, किसी भी उपभोग्य सामग्रियों की जरूरत नहीं है। इसके उपयोग में किसी ईंधन या बिजली या किसी व्यवहार परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी स्टार्टअप्स की तरह उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाने में कि यह उत्पाद काम करता है। तो मेरे लिए जो चैलेंज था इनिशियली वो है कि लोगों को विश्वास दिलाएं कि ये काम करता है, और वो तो लोग जब यूज कर रहे हैं तभी उनको पता चलता है, पर वो पहले जो है जो पहले यूज़ करता है उसको कैसे पकड़ें, उसको कैसे बोलें कि हाँ ये काम करता है। बट लोग चारों तरफ फैले हुए हैं जिनको ये सब आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, उनको नया नया चीज़ करना है और नई नई चीज़ें उनको ट्राई आउट करके लोगों का भला करना है, तो दे गिव यू अपॉर्चुनिटी। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित राज्यों के कई गांवों ने रिएक्टर को अपने हैंडपंपों में फिट कराया है। लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है क्योंकि अब वह साफ पानी का उपयोग करते हैं। तरल टेक को केवल ग्रामीणों द्वारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है।
जुलाई 2017 में इसराइल के तेल अवीव में संयुक्त इंडो इसराइली इनोवेशन प्रदर्शनी में भाग लेने वालों में तरलटेक सॉल्यूशंस स्टार्टअप्स में से एक था। अंजन ने वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रिएक्टर के काम के बारे में समझाया। हमने देखा कि स्वाहिली और अफ्रीकांस लैंग्वेज जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसमें माजी का मतलब है वाटर यानी पानी, तो ये तो दुगना बेनिफिट हो गया तरल टेक माजी का। तो हम लोग वहाँ भी सब जगह इसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है, मिलता है कि नहीं देखते हैं, पर एटलीस्ट हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये आ जाए। तरल टेक सॉल्यूशंस जल जनित रोगों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण सफलता है और भविष्य के लिए एक गेम चेंजर तकनीक है। विश्व भर में पानी एक कीमती संसाधन है, लेकिन गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां एक बड़ी चुनौती है। तरल टेक सॉल्यूशन गंदे पानी को साफ करता है, उसमें से कीटाणु निकाल के, ताकि गांव-गांव के लोगों की जीवन बेहतर हो सके, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो सके, ताकि गांव-गांव खुशहाल हो सके। गांव में हैंडपंप होते हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं कि गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है कुछ सालों के बाद, और इसी समस्या पर काम किया अंजन मुखर्जी ने, जो कि फाउंडर हैं तरल टेक के। हमारे साथ अंजन, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कब आपको लगा कि इस सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? हम लोग इस टेक्नोलॉजी के ऊपर दूसरे विषय में काम कर रहे थे, जैसे एफ्लुएंट केमिकल रिएक्शंस जो रियली इंडस्ट्री के लिए है, पर मुझे पता था कि हैंडपम्प के इसमें भी लोग काम कर रहे हैं, पर जब मैं उनका सोल्यूशन देखा तो मुझे लगा कि ये तो काम नहीं करेगा गांव में। और जब मैं गांव में गया और देखा कि क्या हो रहा है उधर, तो मुझे लगा कि इस पे कुछ सोचना चाहिए। और जब सोचते सोचते ये चीज़ निकल गया, जब गांव में गांव की समस्या अजीब है, जो कि वहाँ अगर कंज्यूमेबल चाहिए होगा तो वहाँ मिलता नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ मेंटेनेंस चाहिए होगा वहाँ लोग नहीं मिलते, जहाँ बिहेवियरल चेंज चाहिए कि कोई भी यूज कर सके, तो वो भी एक समस्या हो जाती है कि लोगों को कैसे सिखाए, ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब देखते हुए जब हमने ये निकाला सोल्यूशन तो लगा ये चल पड़ेगा। लेकिन ये जो तकनीक है वो थोड़ा है क्या, मुझे समझाइए उसको, बायो मिमिक्री क्यों कहते हैं आप लोग? देखिए, जब मैंने पहले ये टेक्नोलॉजी देखा वो एक स्नैपिंग श्रिम्प में देखा। अच्छा, तो स्नैपिंग श्रिम्प क्या करती है कि उसका जब प्रे उसके सामने आ जाती है तो वो एक जेट ऑफ वाटर वो छोड़ती है एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। अच्छा, और उससे क्या होता है कि बुलबुले पैदा हो जाते हैं, जिसको कैविटेशन वॉयड बोलते हैं। ये एक आसान सा फिजिक्स प्रिंसिपल है बर्नौली का, तो उसी प्रिंसिपल से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। और ये जब प्रेशर जब रिकवर हो जाता है तो वो बुलबुले फट जाते हैं और शॉक वेव आ जाता है, तो वो शॉक वेव से ये उसके अगल बगल में जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो ये हैंडपंप में जब हम हाथ से हैंडपंप चलाते हैं तो ये फिर ये कैसे मशीन कैसे काम करती है और कैसे कीटाणुओं को मारती है, कैसे साफ पानी मिलता है? देखिए, हम लोग जो राइजर पाइप है जिससे पानी ऊपर आता है, हाँ, तो उसके पाथ में हम लोग ये रिएक्टर लगा देते हैं और उसी में जब ये वॉइड्स हम लोग जेट्स ऑफ वाटर शूट करते हैं ताकि ये वॉइड्स सभी ऑन द पाथ ऑफ द फ्लूइड ये वॉइड्स फटते रहते हैं और शॉक वेव्स क्रिएट करते रहते हैं। और ये रिएक्टर काम करता है, थोड़ा सा जो आपने ये छोटी सी चीज इसमें लग जाती है यही काम करती है जो आप कह रहे हैं? यही काम, ये करोड़ों कीटाणुओं को मार देती है। करोड़ों तो आप छोड़ दीजिए, आप कितने भी चाहिए है ये मार देती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया है, तो वो क्या है और ये कोविड के दौरान आपने जो इम्प्रूवमेंट किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या पहले तो हम लोग ये वाला करते थे, इसमें काफ़ी सारे मेटल पार्ट्स थे जो सीएनसी मशीन में करना पड़ता था और प्रेसिशन मशीनिंग था, तो क्वालिटी कंट्रोल ये सब काफ़ी सारा प्रॉब्लम था और वेट भी इसका काफ़ी सारा है। तो ये कोविड के टाइम में कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ काम करें। और हम लोग इंजीनियरिंग हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स पे काम करना शुरू कर दिया और ये निकल पड़ा उसी इसमें। पर एक चीज़ है कि कोविड के लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया,
कि मुझे किसी को माइक्रोब्स के बारे में बताना नहीं पड़ता, सभी को पता चला, सभी को पता है, सभी ने पीएचडी कर चुका है। लेकिन अंजन, ये एक बार आपने जब लगा दिया तो कितने समय तक हैंडपम्प पे रहेगा, कितने समय बाद इसको बदलना पड़ेगा? इसको एकदम ही बदलना नहीं पड़ेगा, ये हैंडपम्प के लाइफ से भी ज़्यादा चल पड़ेगा, क्योंकि इसके जो जो मटेरियल्स यूज़ की है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये मेटल से भी स्ट्रांग है, ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स हैं। अच्छा, तो वो भी एक बड़ा इसी को तो कहते हैं कि सोल्यूशन जो आप लोग जिस पर काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बाजार के बारे में समझना चाहता हूँ, कितने हैंडपम्प्स हैं जिसमें आप इसको एक दिन फिटिंग कर सकते हैं, और क्या भारत के बाहर भी आप बाजार देख रहे हैं? इंडिया में 1.3 करोड़ हैंडपम्प है, पर देखिए ये इंडिया में तो 30 से 40 करोड़ लोग हैंडपम्प से पानी पीते हैं, हैंडपम्प का पानी पीते हैं। ठीक है, दुनिया भर में इसका 2 से 3 बिलियन लोग हैं जिससे ग्राउंड वाटर से पानी पीते हैं, तो इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है। और मोस्टली ये सब एक जो मॉडल है जो इंडिया मार्क टू मॉडल बोलते हैं वही है, 90% से ज़्यादा उसका वर्ल्ड में बाजार है। ठीक, अब मुझे बताइए कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी, टेक्नोलॉजी के बाद, हैंडपम्प के बाद आप कैसे शहरों की जो समस्या है, जो पाइपलाइन के जरिए हम लोग पानी पीते हैं, उसकी समस्या कैसे सॉल्व करेंगे आप? सर, उसके लिए भी यही टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो प्रोटोटाइप है वो भी एक्चुअली बन के तैयार है। पर पहले मुझे ये करना था, क्योंकि इससे कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको उनका फ़ायदा होगा, और वही हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप जो की है वो पहले उनके उनके लिए की है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर ये चल पड़ा तो। एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं तरल टेक पर, हमारे जो आज के मेंटोर है राउत साहब। राउत साहब, एक बार फिर से आपकी बारी आ गई है। ये जो तरल टेक है, गांव में हैंडपम्प में साफ पानी की जो समस्या है सॉल्व कर रहे हैं, सोशल इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, एज एन इन्वेस्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये सोशल इनोवेशन? इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव एक थोड़ा साइड में रखे और एक मिनट के बाद उसके ऊपर आते हैं। इन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है, इतना सुंदर सोल्यूशन है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और उन्होंने इतना सरल सा सोल्यूशन इसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन निकाला हुआ है। और जैसे अंजन साहब बता रहे थे, उन्होंने वो इंडियन कंडीशन के लिए अडेप्ट करके बनाया हुआ है, ताकि जो अपनी कंडीशन है वहां पर, मतलब लो कॉस्ट, लो वैल्यू, लो मेंटेनेंस, ये जितनी भी सारी चीजें इसमें होनी चाहिए उन्होंने साफ सुथरी उसके अंदर रखी हुई है। मार्केट भी इसका काफी बड़ा है, बिकॉज जैसे वो बता रहे थे, कम से कम 30 से 40% लोग दुनिया भर में है जो हैंडपम्प या ग्राउंड वाटर कर देते हैं, उनके लिए ये सोल्यूशन जरूरी होगा। और जरूरी नहीं है कि ये रूरल इंडिया में ही यूज हो, ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कहीं भी अडाप्ट कर सकते हैं। जो अंजन साहब कर रहे हैं बहुत अच्छा है कि रूरल वहां पर ज्यादा जरूरत है, बट इनका मार्केट काफी रूरल में ही नहीं, शहरों में भी, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी कैन बी अडाप्टेड फॉर एवरी अदर यूज केस। बहुत बहुत ही हाई पोटेंशियल बिजनेस है ये। अंजन, आपकी वाइफ जो हमेशा आपके साथ रही, उन्होंने हमसे कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जब गाँव में बाद में गए तो पहले तो आके कुछ लोगों ने हमको बहुत डांटा, तो हम पहले थोड़ा सा मतलब ऐसे सरप्राइज हो गए कि हमको क्यों डांट रहे हैं। वो कहने लगे, आपने हमारी बोरवेल में फिटिंग करी थी, आपने सभी में तब नहीं करी थी, उस पहली बार हम बस दो चार करके गए थे। तो कहने लगे कि दूसरों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उस वाले बोरवेल में जो पानी है वो शुद्ध है, उसमें उधर वाले बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, तो सब आ जाते हैं लाइन में। तो कहने लगे, हमको पहले आधे घंटे लाइन में रहना पड़ता था, अब दो दो घंटे रहने पड़ते हैं। उसमें हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक साइंस की क्रिया है, फिजिक्स है, बायोमिमिक्री है, ये सारी चीज़ें हम क्यों समझाएं गाँव वालों को? उनको इस चीज़ से मतलब है कि पानी से क्या फ़ायदा हुआ, और तुरंत फ़ायदा हुआ उनको किसी तरह से, उनकी जो वो करते हैं, जो बिहेवियर, उसमें कोई उनको बदलाव नहीं लाने पड़े, जो पहले करते थे वही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी, आपका स्टार्टअप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, और आप कई लाइफ्स को, कई सारी जिंदगियों को ऑलरेडी प्रभावित कर चुके हैं। ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे, और आप ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस लेकर के आते रहें। एक तो ये जो हमारे ऑडियंस हैं, अब रैपिड फायर राउंड में एक एक सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम देवर्षी है। सर, मेरा सवाल है, जो आपका तरल टेक प्रोडक्ट है वो ऐसे, हमें ये पता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तो कर देता है, मार देता है जो गंदे होते हैं, पर जो पानी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वो उन्हें भी कैंसिल आउट कर देता है या वो बनाए रखता है?
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कुछ नहीं करता, ये सिर्फ कीटाणु मारता है, और वो भी जो कीटाणु जो हानिकारक होता है, क्योंकि जो हानिकारक होता है उसके जो आउटर शेल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और शरीर के अंदर जाके वही निकल के उसके अंदर जो जो गट है वो निकल के डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड बनाते हैं। जो हार्ड है, जिसके शेल हार्ड है, वो तो अंदर जाके वो निकल ही जाता है, वो तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है, लेकिन इतना आसानी से हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इस खास प्रोग्राम में आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेक इन इंडिया ये मशीन है वो पूरे वर्ल्ड में छा जाएगी और भारत की जो प्रॉब्लम उसको तो सॉल्व करेगी। अनुज यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस तरह का सोशल इनोवेशन और भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अंजन मुखर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारी मुश्किलों के बावजूद आपने दुनिया को दिखाया कि उम्र कोई मतलब नहीं रखती है, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे किसी स्टार्टअप चैंपियन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो startup.india@gov.in पर आपको हमें लिख सकते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।